डॉक्टर निशिकांत दुबे जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं 2009 में पहली बार यहाँ सांसद बनकर आया और ये 15वें साल में मुझे लगता है कि ये 100वीं बार ये मुद्दा मैं इस लोकसभा में उठा रहा हूँ। यहाँ देश में शेड्यूल कास्ट की बात होती है, शेड्यूल ट्राइब की बात होती है और मेरे राज्य को, झारखंड को एक आदिवासी बहुल्य राज्य के तौर पर बिहार से अलग किया गया। स्थितियाँ ये हैं सभापति महोदय कि 1951 में उस झारखंड में आदिवासी की आबादी 36% थी, 36%, और आज जब मैं सांसद होने के बाद 15 साल बाद ये बोल रहा हूँ, आज मेरे राज्य में आदिवासी की आबादी केवल और केवल 24% है। ये केवल इस सदन को नहीं, पूरे देश को ये सोचने और समझने वाली बात है कि हम आदिवासी कल्याण की बात कर रहे हैं लेकिन आदिवासियों की संख्या 1951 से लेकर सबों की जनसंख्या बढ़ रही है। 140 करोड़ का देश हो गया जब भारत आज़ाद हुआ, 33 करोड़ आबादी थी, आज 140 करोड़ आबादी हो गई लेकिन मेरे राज्य में आदिवासी की संख्या 36% से 24% हो गई। उसका नतीजा ये हुआ कि पूरे देश में डिलिमिटेशन है, नहीं नहीं तो ये जम्मू कश्मीर में रीऑर्गेनाइजेशन बिल अभी चल रहा है जिस पर डिस्कशन चल रहा है, आसाम तक में हो गया, लेकिन झारखंड ही एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण राज्य है जहां की डिलिमिटेशन नहीं हुआ 2008 में। उसका कारण यह है कि डिलिमिटेशन यदि हो जाएगा तो लोकसभा की एक सीट आदिवासी की और विधानसभा की 3 सीट आदिवासी की घट जाएगी और किसी भी आधार पर आदिवासियों के खिलाफ अन्याय नहीं होना चाहिए, इस कारण से पूरे देश ने डिलिमिटेशन, झारखंड एक ऐसा राज्य है, नहीं होने दिया। आज स्थितियां यह है कि बांग्लादेश के घुसपैठिए आते हैं, आदिवासियों के साथ शादी करते हैं और जो मुसलमान का पॉपुलेशन है, खासकर मेरे जो कुछ जिले हैं, गोड्डा है, साहबगंज है, पाकुड़ है, जहां से मैं सांसद हूं, देवघर है, जामताड़ा है, उन सबों का पॉपुलेशन लगातार बढ़ रहा है और आदिवासी महिलाओं के जमीन के चक्कर में बांग्लादेशी घुसपैठिए, ये हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है, मैं आपको बता दूं। और जो काकुली घोष जी बता रही थी, मैं संजोग से 2004, 2005, 2006 का ममता जी का ही स्टेटमेंट, ममता जी का ही स्टेटमेंट इस पार्लियामेंट में लेकर आया, जब वो सांसद थी उन्होंने कम से कम 10 बार कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण पूरे बांग्लादेश की, पूरे बंगाल की डेमोग्राफी बदल रही है। कोई इतिहास को गलत नहीं कर सकता, लेकिन जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं वो पूरा मालदा, मुर्शिदाबाद, कलियाचक केवल बांग्लादेशी घुसपैठिए बढ़े हुए हैं। यही हाल बिहार का है, जहाँ की कटिहार, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, भागलपुर, ये सभी जो है आदिवासी और जो जनरल पब्लिक है, बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण पूरी डेमोग्राफी बदल गई है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि केवल ये झारखंड के आदिवासियों का तो विषय है लेकिन बंगाल का भी विषय है, बिहार का भी विषय है और भारत सरकार से मेरा आग्रह है कि NRC लागू करिए और सारे बांग्लादेशियों को यहाँ से बाहर करिए और कम से कम झारखंड राज्य के आदिवासियों को बचाइए। आपने मुझे मौका दिया इन्हीं शब्दों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद श्री।